तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे, और कट्टरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। कितने महीनों तक?